कहते हैं कि देर से सही जिंदगी बेमिसाल भी होगी, सब्र तो रख खुशहाल भी होगी। जो कहते हैं तुमसे कुछ ना हो पाएगा, वही बोलेंगे एक तू ही है जो सब कुछ कर जाएगा। तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 11 के सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कि आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है मिड टर्म का, उसी लिए मैं क्या लेकर आ गया हूं आपके लिए, टॉप 40 एमसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं। एमसीक्यूज आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, जितने भी हमारे जो मिड टर्म के एग्जाम्स है उसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं उन्हीं को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको सभी चैप्टर्स करा दिए हैं, एनिमेटेड फॉर्म में भी करा दिए हैं, फेस वीडियो के साथ में भी करा दिए हैं, और चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो उन सभी को देख लीजिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर ही उपलब्ध है, उनको जरूर देखिए, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार बना के रखिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे भी आप देख सकते हो कि 12th सोशियोलॉजी हुआ है, वो भी सारे कराए हुए ही थे, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी मिल जाएंगे, विश्वास रखिए, ठीक है, आशा रखिए, हर चीज आपको यहीं पर उपलब्ध होगी। तो पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णन करें, ठीक है। तो समाज शास्त्र की जब उत्पत्ति की हम बात करते हैं, तो इसका जो जन्म है वो कब हुआ है, 19th सेंचुरी में हुआ है, यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ है। और सेकंड पॉइंट क्या था, समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए, और परिणाम स्वरूप ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। इसको कह सकते हैं जब हमारे पास में समस्या आई तो हमें उसको सुलझाने के लिए चीजें चाहिए, तो उस सुलझाने की जो प्रक्रिया रही है, सुलझाने के लिए जो हमारे को सॉल्यूशन चाहिए थे, उसी लिए हमारे क्या हुआ, समाज शास्त्र की उत्पत्ति हमें देखने को मिली। बात करते क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड पॉइंट है, इसमें देखने को मिलता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज शास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। इसमें वैसे मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सर रखे हैं, बट मैं आपको जहां से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं वो भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो 1838 में बदलकर समाज शास्त्र रखा गया, यानी कि इसका पहले नाम क्या था, सामाजिक भौतिकी था, और 1838 में इसका नाम समाज शास्त्र रखा गया। तो आपसे एक नंबर का भी बन जाएगा, कब इसका नाम समाज शास्त्र रखा गया, तो 1838 में। किसने रखा, ऑगस्ट कॉम्टे। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र का जनक। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा एक नंबर का कि समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर यही रहेगा, ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। तो ये फायदा होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का, कि उसमें आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं। फिर है फोर्थ, समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स बेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफी योगदान रहा है। और भारत में अगर बात करूं तो समाज शास्त्र के उद्भव का विकास का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा प्राचीन रहा है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में इसको औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी समाज शास्त्र की, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो समाज शास्त्र पढ़ाया जा रहा था तो वो इतिहास के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से, या फिर हमारे राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ाया जाता था, लेकिन औपचारिक रूप से 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये भी कह सकते हो मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है। तो अंतर जब भी आएगा तो इसी तरीके से लिख सकते हो, तो मानव समाज और पशु समाज, अगर एक याद कर लोगे दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे आप समझ सकते हो मानव समाज में क्या है, बोलने सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन पशु समाज में ये नहीं होती है। तो इसीलिए बस नहीं लगाना, बाकी सेम, अपनी मानव समाज में अपनी एक संस्कृति होती है लेकिन पशु समाज में कोई संस्कृति नहीं होती है। मानव समाज स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन पशु समाज स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का नहीं करता है। इसमें कह सकते हो उसकी मूक भाषा होती है, जो फिलहाल मेरे को तो अभी समझ में नहीं आती, आप में से कोई समझ लेता हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो भविष्य की चिंता करता है, इमोशंस को हम समझ सकते हैं, उसमें कोई दोराई नहीं है कि जानवरों के हम इमोशंस नहीं समझ सकते, ठीक है। भविष्य की चिंता करता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है, ठीक
ठीक है ना, मनुष्य हमेशा यही रहता है, ठीक है ना, कल की खबर नहीं है, लेकिन आज से हम सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन पशु समाज ऐसा कुछ नहीं है, उसको अपने वर्तमान से मतलब है, ठीक है, वो फ्यूचर की सोचता नहीं है, पास्ट की टेंशन लेता नहीं है, लेकिन मानव फ्यूचर की चिंता में लगा रहता है और अपना वर्तमान भी खराब कर लेता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, कि धर्म समाज में महत्वपूर्ण बातें समझाइए, क्या आखिर धर्म समाज में कैसे महत्वपूर्ण है वो बताना है, यहाँ पे कोमा है, ठीक है ना, धर्म समाज में महत्वपूर्ण है कैसे समझाइए। तो देखो इमाइल दुर्खीम के अनुसार, वैसे तो ये डेफिनेशन, देखो मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए बना दिया है ताकि इसमें से आपसे पूछ लिया था, इमाइल दुर्खीम की व्याख्या पूछी जाती है, जो डेफिनेशन दी है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। ये एज इट इज डेफिनेशन है, एज इट इज याद करने पड़ेगी क्योंकि इमाइल दुर्खीम ने इसी तरीके से डेफिनेशन दी है। फिर है इसी में पॉइंट जो लिखने के लिए आपको करना होगा कि धर्म समाज में स्थिरता लाने में मदद करता है। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है, धर्म कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक स्थायित्व लाने की कोशिश करता है। धर्म के जरिए एक ही धर्म वाले लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और व्यवहार करते हैं कि जहां पर भी अगर बैठे हुए हैं तो वो एक ही जैसी क्रियाकलाप को अपनाने का काम करते हैं। इसी में बात करते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की, कि धर्म सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में अहम भूमिका निभाता है। धर्म का अध्ययन करने से हम उन अवधारणाओं को समझ सकते हैं जिन पर लोग और समुदाय अपना अस्तित्व समझाने के लिए जोर देते हैं, यानी कि लोग किस तरीके से उनका अस्तित्व बना रहे और किस तरीके के वो क्रियाकलाप करें, वो सब काम हमारा कहीं ना कहीं धर्म निर्धारित करता है। फोर्थ है, धर्म सांस्कृतिक सार्वभौमिकता का उदाहरण है, ये किसी ना किसी रूप में सभी समुदायों में मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि हर धर्म के अंदर कुछ जो बातें होती हैं वो कॉमन ही मिलती हैं, तो उसी तरीके से कह सकते हो कि सार्वभौमिकता का उदाहरण होता है। धर्म से जुड़ी गतिविधियों जैसे घरेलू हिंसा, अपराध, नशे की लत और मादक द्रव्यों के सेवन में कमी आती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो भी धर्म का पालन करता है उसमें वो मादक चीजें जितनी भी कह सकते हो आपके गुटखा है, शराब है, इन सबसे दूर रहने की कोशिश करता है, ठीक है, घरेलू हिंसा ना करना, अपराध ना करना, नशे की लत, इन सबसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने की बात होती है, तो वो धर्म ही सिखाता है, ठीक है। फिर है, धर्म से जुड़ी गतिविधियों से लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो शैक्षिक रूप से सफल होते जाते हैं, क्योंकि धर्म क्या करता है, हमारे मस्तिष्क पे काम करता है और शांति प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कलह है, मानसिक कलह, और मानसिक कलह की वजह से जो शारीरिक कलह होती है वो भी कहीं ना कहीं दूर होने का काम करती है। धर्म लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें आपस में जुड़ने और संवाद करने में मदद करता है। ऐसे अगर कह सकते हो कि एक अगर जगह पर लोग इकट्ठे होते तो कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन धर्म जहां पर भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर एक साथ लोग बैठे रहते हैं और बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं, ये आसान काम नहीं होता है, ये धर्म ही उन सबको लोगों को एक साथ लेकर आता है, जबकि उन सब में कितने सारे लोगों में विविधता देखने को मिलती है। धर्म मानव जीवन को आधार देता है और मानव मस्तिष्क को शांति देता है, जो मैंने अभी आपको बात करी थी कि शांति हमें कहीं ना कहीं जो मिलती है वो यहीं पर मिलती है। धर्म मानव जीवन को मानसिकता दृढ़ता देता है और नैतिक बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और इंसान जब मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वो नैतिक रूप से भी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये आपका रहा है, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो हट जाता हूं मैं, ले लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, कि हमें समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं देखने को मिलती है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। बिल्कुल सही बात है, समाज में हमें बहुलता भी देखती है और समानता भी मिलती है, क्यों, क्योंकि एक समाज दूसरे समाज से क्या होता है, भिन्न होता है, हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, दूसरे समाजों से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम दूसरे समाज के लोगों को भी देखते हैं तो उनकी संस्कृति को भी ग्रहण करते हैं। आज वैसे भी संस्कृति बहु संस्कृति हो गई है, कोई एक धर्म की संस्कृति नहीं रह गई है, एक समुदाय की नहीं रह गई है। इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति था, हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, यानी कि जिसको कह सकते हो एक समाज से ज्यादा होता है, उसमें परिवर्तित होता जा रहा है। पांचवा कह सकते हो, हमारे समाज में असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है, जैसे हमें अमीर व गरीब देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लो आप। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ,
समाज की प्रमुख विशेषता बताइए कि सर आप समाज 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 कर रहे हो लेकिन समाज की विशेषताएं क्या होती है, तो जरा देखिए समाज सबसे पहले क्या होता है, अमूर्त होता है। ऐसा नहीं है कि समाज की कोई मूर्ति रखी हुई और जाते हैं उसकी पूजा करते जय श्री राम, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, समाज अमूर्त होता है, इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वो चीजें हमारे आसपास का वातावरण ये सब देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड, समाज में समानता व भिन्नता देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पर भिन्नता भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, समानता भी है, पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष भी होता है। सहयोग भी दिखेगा, आपने आस पड़ोस देखे होंगे कि कई बार उन्हीं के बीच में टकराव देखने को मिलता है, और वहीं पर हमारे को अपनत्व भी देखने को मिलता है कि कोई बीमार पड़ गया तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाया चला जाता है, ठीक है ना। ये भी एक समाज ही होता है हमारा, इसमें कह सकते हो सहयोग भी है संघर्ष भी है। आश्रित रहने का नियम होता है कि हर एक समाज कहीं ना कहीं दूसरे समाज के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। व्यक्ति अपने आप में वैसे पूर्ण नहीं, जिसको कह सकते हो वो भी समाज का अंग है, तो उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। समाज परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले का समाज देख सकते हो कैसा था, फिर कैसा समाज आया, अब कैसा समाज चल रहा, तो आने वाला समाज भी चेंज होता रहेगा। तो समाज परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार अपने आप को क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। तो पूंजीवाद क्या होता है, आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था होती है जो कि बाजार विनिमय पर आधारित होता है, और जिसका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है लाभ कमाना, ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम करता है पूंजीवाद, ठीक है। तो जितने भी बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग चीजें की जाती हैं उनका क्या होता है, बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग किया जा सकता है। व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, निजीकरण पर बल दिया जाता है। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसको भी जहां पर भी दिक्कत आए कमेंट जरूर कर दिया करो, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है मैं रिप्लाई जरूर दूं उसको। फिर आता है नागरिकता के अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो नागरिकता के अधिकारों में हमें 3 प्रकार के नागरिक अधिकार मिलते हैं, पहला नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अभी बात करते हैं, देखो नागरिक अधिकार में क्या होता है, यहाँ से एक नंबर का भी बन जाता है, वो यहाँ से देगा, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता कौन सा नागरिक अधिकार है, तो वो नागरिक अधिकार ही है। तो इसमें भाषण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है, आप कहीं पर भी जाकर भाषण दे सकते हो, अपनी बातों को कह सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, बस वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाला हो, ना कि उसमें बिखराव करने वाला हो, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। राजनीतिक अधिकार, जिसमें कह सकते हो चुनाव में शामिल होने व मतदान का अधिकार होता है कि आपकी जो अप्रोप्रिएट एज है, जैसे कह सकते हो अभी 18 साल है, ठीक है ना, वो अगर आप हो तो आप बिल्कुल वोट दे सकते हो, आपको किसी भी बिहाफ पर मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चुनाव में शामिल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, चाहे वो चुनाव की आपकी कह सकते हो कि जो भी मिनिमम एज है, ठीक है, इसके अंदर कह सकते हो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन की आपकी 21 वर्ष होती है, ठीक है, विधानसभा लोकसभा की 25 वर्ष होती है, राज्यसभा की आपकी 30 वर्ष है, तो आप उसको आराम से कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको हमारा अधिकार है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, सामाजिक अधिकार की। तो सामाजिक अधिकार क्या भाई, हम समाज में रह रहे हैं तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी, ये सब कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक अधिकार होते हैं क्योंकि हम समाज में रह रहे होते हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, सामाजिक बाध्यता से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो सामाजिक बाध्यता यानी कि क्या होता है, एक तरह का शब्द है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से रहे हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। तो हमारा जिस तरीके का जीवन चल रहा है, अनुकूलन जीवन चल रहा है, उसी में वो क्या करते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक बाध्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला प्रधान घर को समझिए। देखो देखो महिला प्रधान घर क्या होता है, जिसमें कह सकते हो महिलाएं घर की मेन होती है, जिसको कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे कब ऐसी कंडीशन आई, जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाएं गांव में अकेली रह गई, तो क्या करेंगी, अब वो हल चलाना पड़ता है, खेती के लिए कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है, तो वो सभी कार्य जो पहले वहां पर रहकर पुरुष कर रहा था, पुरुष शहरों की तरफ आ गए, तो वो महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसको बोलते हैं महिला प्रधान घर। और कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली भी बन जाती है, ठीक है, बस योग्यता की अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है महिलाएं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहते हैं, जैसे उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोल्लम जनजाति, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कोल्लम जनजाति किस प्रकार का घर है, तो वो एक तो महिला प्रधान घर है, कहाँ की जनजाति है, आंध्र प्रदेश की है, इसके अलावा एक खासी जनजाति है,
जो भी महिला प्रधान घर है, मेघालय, या फिर आप उत्तर पूर्वी भारत कर लो, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये खासी जनजाति, ये भी एक महिला प्रधान घर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव एवं पूंजीवाद को व्यक्त करें। तो देखो, औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार से हमें बदलाव देखने को मिले और उसने किस प्रकार से पूंजीवाद को भी प्रभावित किया। तो देखो, औद्योगिक क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? तो औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन से स्टार्ट। तो एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप, इसको कह सकते हो पूंजीवाद पर आधारित थी, इसमें कोई दोराई नहीं है। पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था होती है जो कि बाजार विनिमय पर आधारित होती है, हमने बात अभी करी है। इस व्यवस्था के साधन और संपत्तियों का निजी स्वामित्व पर आधारित होती है, बिल्कुल सही बात है। और औद्योगिक जो उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है, क्योंकि जितना भी उद्योग ये सब चीजें लगेंगे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट इन सबकी बात की जाएगी और वो पूंजीवाद के बिना नहीं चल सकती। तो सेकेंड, उद्यमी निश्चित होते हैं और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित होते हैं। मुनाफा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, तो वो क्यों इंडस्ट्री को चलाएंगे अपने, तो कोई सीधे बात होती है। थर्ड, बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की है और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बनी जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। और अभी मैंने आपको बताया ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र रहा था। एक नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन कैसा था? असरकारी था, क्योंकि ये निजी लोगों के हाथ में था। औद्योगिकरण से पहले क्या होता था? अंग्रेजों का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना एवं कपड़ा बनाना। लेकिन जब क्या हुआ, उद्योग लगा दिए, तो उन्होंने क्या करा, अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे, जो कि कृषक थे, भूस्वामी थे, लोहार थे, चमड़ा श्रमिक, जुलाहे, कुम्हार, चरवाहे थे। समाज छोटा था, स्त्रीकृत था, लोगों की स्थिति से उनका वर्ग परिभाषित हो जाता था। लेकिन जैसे औद्योगिकरण आया उसके बाद में सारा वर्ग का जो खेल था वो खत्म ही हो गया। कौन क्या काम कर रहा है हमें कुछ नहीं पता चला, जिसमें कह सकते हो बस योग्यता होनी चाहिए और आप वो काम कर सकते हो। औद्योगिकरण के साथ साथ शहरी केंद्रों का विकास भी हुआ, उसके साथ साथ हमारे को कुछ चीजें भी मिली, जिसमें कह सकते हो निशानी क्या थी, फैक्ट्रियों का धुआं जहां पर भी दिखा। हमें पहले कोई पॉल्यूशन नहीं था, आज पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, दिल्ली की तो हवाओं में पॉल्यूशन। तो इस तरीके से फैक्ट्रियों का कह सकते हो धुआं, तो पता चला अच्छा औद्योगिकरण आ गया। कालिख, अरे वाह भाई औद्योगिकरण आ गया, ये पहचान है, जैसे हम दूर से देखकर पहचान लेते हैं। तो ऐसे कालिख आई, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां हो गई, जिसमें कह सकते हो कि जो स्लम एरिया थे वो भी डेवलप हुए, ठीक है। रहने की दिक्कत आई, आवास की दिक्कत आई, खाने की दिक्कत आई, ये सब देन कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की वजह से देखने को मिली। गंदगी और सफाई यहां पर बहुत ज्यादा देखी गई, जिसमें कह सकते हो कि उसकी सुनिश्चितता निर्धारित की गई, और आज भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि हम किस पर थे, हैंडमेड चीजें बनाते थे भाई, हस्तलिखित, ठीक है ना, हाथों से बनी चीजें बनाते थे। अब मशीनें आई, तो मशीनों ने क्या कर दिया, रैपिड तरीके से उसमें उत्पादन किया, तो हाथ से बनने में टाइम लगता था, मेहनत ज्यादा थी, तो वो क्या हो गया, बर्बाद होते चले गए। तो औद्योगिकरण ने कह सकते हो कि जो हाथ हैंडमेड चीजें थी वो सब खत्म कर दिया। अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी, इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। तो जिनके अंदर कुशलताएं थी अब मशीन पे काम नहीं कर सकते, तो वो किस तरफ चले गए, खेती की तरफ चले गए। फिर अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई, ले लो ले लो। तो कमेंट करते हो कि भैया स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट लेना। हो गया, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ, टाइम नहीं लगाना भाई, आराम से करेंगे हर चीज। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 40 क्वेश्चन है भाई, लास्ट तक बने रहना, इनसे बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अंतर बताइए। लो भाई अंतर बता देंगे, जैक के बात कोई। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। तो देखो, समाजशास्त्र एक तो समाज का विज्ञान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट याद कर लो। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है, बस एक लाइन। अगला देखो, समाजशास्त्र दोनों से संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करता है। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र का व्यापक दायरा होता है,
राजनीति विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान, सब कुछ, लेकिन राजनीति में सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। समाजशास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। उसको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का अनुसरण करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीतिक है। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, समाजशास्त्र समाज की बात करता है, राजनीतिक विज्ञान राजनीति की बात करता है, दोनों ही, जिसमें कह सकते हो कि ये सिर्फ अपनी राजनीति की बात करता है और समाजशास्त्र राजनीति की भी बात करता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो श्रम विभाजन, सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक स्वरूप होता ही है। औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से आज जटिल हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उस टाइम के समाज में क्या होता था। औद्योगिकरण से पहले हमें पता चल जाता था कि ये इस वर्ग का है, ये काम करता है, आज हमें नहीं पता होता। आज जटिल समाज देखने को मिलता है। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है, जिसमें कह सकते हो आज अपने गांव छोड़ो या शहर छोड़िए, हम तो देशों को पार करते हुए काम करने के लिए चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट व्यवस्था क्या होती है। तो देखो, स्टेट व्यवस्था जो उदाहरण है वो है सामंतवाद का, जिसमें कह सकते हो आप यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसमें तीन वर्गों में बांटा गया स्टेट का। ठीक है, 1, 2, 3। पहला इसमें आपका पादरी वर्ग, दूसरा आपका अभिजात वर्ग, ठीक है, थर्ड कृषक वर्ग। इसमें अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आराम से समझ सकते हो, पादरी वर्ग यानी कि आपका क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स, जिसमें आपके क्या आते थे, जो भी मिडिल क्लास के लोग थे वो इसी में आते थे, जो टैक्स देने का काम करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, और ये दोनों क्या थे, नॉन टैक्स पेयर थे, टैक्स फ्री थे, एंड दे आर द टैक्स पेयर, ठीक है ना, जो पीजेंट से, तीसरी वाली व्यवस्था। ठीक है, तो स्टेट जनरल का यही चीज था, जिसमें कह सकते हो अंतिम स्टेट यानी कि कृषक वर्ग में व्यवसायी और मध्यम वर्ग के आते थे, जो अभी मैंने आपको बताया मिडिल क्लास, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता था, ये व्यवस्था चलती थी। बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आनुभाविक जांच से क्या समझते हैं। देखो, तो जांच करनी है तो आइए, कैसे जांच करनी है, अनुभव के आधार पर। तो समाजशास्त्री अध्ययन के किसी निश्चित क्षेत्र में की गई तथ्यात्मक जांच को ही हम बोलते हैं आनुभाविक, जिसमें हम खुद जाकर अनुभव से अपनी जांच करते हैं, तथ्यात्मक रूप से करते हैं, उसी को बोलते हैं आनुभाविक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सामाजिक भूमिकाएं क्या है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व होते हैं, वही सामाजिक भूमिका कहलाते हैं। हर एक इंसान के कोई ना कोई अपनी भूमिका होती है समाज के अंदर, उसी को बोलते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उपसंस्कृति से आप क्या समझते हैं। वीडियो लेंथी रहेगी क्योंकि मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चन है, संयम बनाकर बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए, ज्यादा हो तो कॉफी बनाकर बैठ जाइए और आराम से देखिए इसको। ठीक है, फिर है उपसंस्कृति क्या है। देखो, उपसंस्कृति एक बड़ी संस्कृति के अंदर जब लोगों के एक ऐसे समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों, मूल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृति से अक्सर उधार लेता है और प्रायः इन्हें विकृत, अतिरंजित या विपरीत कर देता है ताकि अपने आप को अलग दर्शा सके, उसी को बोलते हैं उपसंस्कृति। बड़े से सहारा लिया और उसके बाद में अपने आप की एक पहचान बनाई, बन गई उपसंस्कृति। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, संदर्भ समूह क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना किसी पेपर में जरूर पूछा गया है। ठीक है, पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें जरूर आपको रेफरेंस दूंगा, यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। ठीक है, कि संदर्भ समूह क्या है। देखो, एक व्यक्ति या लोगों का कई समूह जो किसी की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जैसे हम सब क्या करते हैं, अपना किसी को आदर्श मान लेते हैं और हम सोचते हैं हम उसकी तरह दिखने की कोशिश करें। जैसे लड़का सोचता है मेरे को सलमान खान देखने की कोशिश करूं, या फिर हमारे अक्षय कुमार की तरह दिखने की कोशिश करें। ठीक है, किसी को भी मतलब सिर्फ आदर्श है। लड़कियां ऐसे ही अपने आप को ऐश्वर्या
राय मान के चल रही है, ठीक है, तो उस तरीके से देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम किसी का भी संदर्भ ले ले, रेफरेंस ले ले और उस तरीके से उसकी तरह बनने की कोशिश करें, उसकी तरह जीवन जीने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो होता है हमारा संदर्भ समूह। बाकी मैंने सिर्फ इसमें एक्टर एक्ट्रेस का लिया, बाकी आप अपने जीवन में किसी को भी ले सकते हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, ठीक है, उनका भी आप एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। बस अपने जीवन के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी को जरूर रखिए, ठीक है। तो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। इसमें हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, लेकिन हम उसे समूह के साथ खुद को पहचानते जरूर हैं। कोई भी अपना एक में कह सकते हो समूह से अपने आप को पहचान लेने की कोशिश करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इस तरीके से संदर्भ समूह काम करता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, भूमिका स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो, भूमिका स्थिरीकरण का मतलब होता है समाज के जो कुछ सदस्य होते हैं उनके लिए एक ऐसा मान लिया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ विशेष भूमिकाओं को ही क्या करेंगे, पालन करेंगे। जैसे एक नॉर्मल आम धारणा मान ली जाती है कि पुरुष को बाहर काम करने जाना है और महिलाओं को घर के काम करने हैं, बच्चे संभालने हैं, घर का काम करना है, ठीक है ना। जबकि इतना बड़ा काम नहीं है ये, इससे ऊपर उठोगे तभी जाकर आपको कह सकते हो कि एक वेल जो इज्जत होती है, एक रेपुटेशन, एक नाम होता है, वो मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। इन कामों में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हो कि बाहर तो निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, महिलाओं को भी निकलना पड़ेगा, उनको भी इंटरडिपेंडेंट, इसको कह सकते हो सेल्फ डिपेंडेंट वो बनना पड़ेगा, ना कि पुरुषों के ऊपर अधीन रहे, ठीक है। तो इस तरीके से तो माना जाता है कि पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िवाद भूमिकाओं को निभाती हैं, और इसको तोड़ा भी गया है, ठीक है ना। अच्छा खासा मैं कल ही बुक पढ़ रहा था, उसमें संतोष यादव जी की, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है, हरियाणा की रहने वाली संतोष यादव। तो ये भी तो है एक, कहीं ना कहीं महिलाओं को रूढ़िबद्ध बहानों से कि घर का काम करना उन्होंने नहीं चूज करा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो उसे 2 बार वो भी, एक बार तो चलो बोल देते चलो चढ़ गई ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकताएं बताइए, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है बेटा, देखो समाज के अंदर कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जिनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दूसरे को नियंत्रित कर देंगे, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर देंगे, इसीलिए उनको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और बनाए रखी जाती है, इसमें कानून, राज्य व सामाजिक मानदंड का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आसानी से ये लोग काबू में आएंगे, तो इसलिए हमें कानून का सहारा, राज्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो आखिर क्या फायदा होता है सामाजिक नियंत्रण का हमें, तो देखो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो समाज में व्यवस्था फैल जाएगी। इसमें मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल मानव का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहना चाहिए। अक्सर बोल दिया जाता है कि आप जो व्यवहार दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वही व्यवहार खुद दूसरों के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हम चाहते तो कि हमसे सब मीठा मीठा बोलें, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करें, लेकिन हम दूसरों के साथ में जब भी बात करते हैं तो कह सकते हो कि इतना कड़वाहट के साथ में बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि समाज बेकार है, कि वो कहावत है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ऑब्वियसली यही चीज है, हमसे बुरा वाकई में फिर कोई नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा की जाती है, जो संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संस्कृति को बिल्कुल ही समाप्त करने के कगार पर ला दिया जाता है, ठीक है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का सरोकार होता है कि समाज के अंदर सुरक्षा बनाई रखी जानी चाहिए। इसके द्वारा समूह में एकरूपता बनाई रखी जाती है कि जो भी समूह है वो सब एक साथ रहे, कोई आपस में उनके अंदर कलेश ना हो, कलह ना हो, संघर्ष ना हो। सामाजिक नियंत्रण के जरिए और असामाजिक तत्वों से मासूम लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, नहीं तो चल भी ना पाए हम लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए सुरक्षा जरूरी, और कैसे होती है, कानून के माध्यम से। कानून कैसे करेगा, पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में बदलते प्रतिमान को बताइए। जाति व्यवस्था मैंने आपको बताया जन्म से निर्धारित होती है, कठोर नियम होते हैं, विवाह संबंधी बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, तो उसमें लेकिन आज कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आज परिवर्तन मिलता है, आज इसमें कह सकते हो जाति व्यवस्था एटलीस्ट शहरों में तो मेरे को देखने में कह सकता हूँ कि कमी होती है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। आप अपने स्कूल में देख लीजिए, कौन किसी से जाति नहीं पूछ रहा, आराम से एक टिफिन खोलता सब खाते हैं बांट कर,
ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कह सकते हो, चलो पहले खान पान का बताया, तो खान पान की बात करते, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। जबकि पहले क्या होता था, जाति व्यवस्था ये तक निर्धारित करती कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, किसके साथ खाना है किसके साथ नहीं खाना, ये सब जाति व्यवस्था निर्धारित होती, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो खान पान में परिवर्तन हो गया है। इसके अलावा फर्स्ट व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले एक जाति के लोग सिर्फ यही काम करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी काम करिए, ठीक है। शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, जैसा देखा है कुछ जातियों को पहले पढ़ने का अधिकार होता था, शिक्षा देने का लेने का अधिकार था, लेकिन आज नहीं है, ठीक है ना। आज इसमें क्या, आज का मतलब है आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को शिक्षा दी जाएगी, यानी कि सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी, जो चाहे वो निम्न जाति के हों चाहे उच्च जाति के हों। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, ठीक है, आज भी है देखो कि अपनी ही जाति में कोशिश की जाती है कि शादी की जाए विवाह किया जाए, लेकिन इससे भी बहुत सारे देखे गए हैं समाज के अंदर, जिसमें कह सकते हो अंतर जातीय विवाह हो रहा है, अपनी जाति से बाहर भी करा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन है, लचीला हो गया है, पहले बहुत ही प्रगाढ़ रूप से कह सकते हो कठोरता। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन यानी कि 50% जो हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, अभी 20 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। जब तक कॉफी पीनी है कॉफी पीजिए यार, ठीक है, चाय पी लो यार, साथ में लेकर बैठ दो बस, लेकिन कॉपी किताब साथ में लेकर बैठना, ठीक है, कि आप इसको आराम से रोक रोक कर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है। समय बीत जाने के बाद में सिर्फ यादें रह जाएंगे कि गोविंद सर ने भी ये चीजें कराई थी और आपने उस चीज को फिर पढ़ाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, प्रदत्त परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। देखो तो प्रदत्त परिस्थिति जिसमें कह सकते हो हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हमारा योगदान नहीं है, अपने आप बस हमने जन्म ले लिया और वो चीजें हमें मिल गई, हम ना चाहते हुए भी उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आधारित होती है जो कि बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मिल जाती है, जैसे हमारे जन्म, आयु, लिंग भेद, आयु, ये सब क्या है हमारा नातेदारी, परिवार, ये सब हमें अपने आप मिल गई। इंसान पैदा होगा अपने साथ में लेकर आ रहा है। फिर इसी में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 22, अर्जित परिस्थिति थी, इसमें अंतर भी आ जाता है, ठीक है ना। अर्जित परिस्थिति का मतलब है जो हमें जन्म से नहीं मिली है, ऐसा नहीं है कि हम बस जन्म ले लिया अपने आप आयु बढ़ रही है तो ये भी बढ़ती जाएगी, नहीं, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर। जैसे आपकी शिक्षा, ये अर्जित परिस्थिति है, आपका जो प्रतिष्ठा वो अर्जित परिस्थिति है, ठीक है, जिसमें शिक्षा है, प्रशिक्षण है, धन दौलत है, ऐसा नहीं है कि लेकर आए थे भाई, ठीक है ना, इंसान पैदा हुआ तो अपने जेबे भर भर के लाया था पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं है भाई। तो धन दौलत वैभव सब यहीं पर है, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, ये सब यहीं पर प्राप्त की गई है, जिसमें मेहनत लगी है, ठीक है ना, अर्जित की है, जिस चीज को हमने ग्रहण किया है, ठीक है ना, एकदम से नहीं आ गया। देखो आ गया ना, समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर बताइए। तो देखो समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या है, इतना ठीक है ना, दिख रहा होगा आराम से, तो कह रहे थे कि छोटा दिखता है, तो जरा देखो। समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है, वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन इतिहास हमेशा पिछली घटनाओं में रुचि रखता है, पिछला क्या हुआ, ठीक है ना, वो बात करता है। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक और विख्यात्मक विज्ञान होता है, ठीक है ना, जिसमें हम कह सकते हो विश्लेषण भी कर सकते हो और व्याख्या भी करते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ वर्णन करता है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना भाई, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं, तो इस चीज के लिए बात होती है। इसलिए आपको इतिहास में बहुत सारे व्यूज देखने को मिल जाते हैं एक ही चीज के ऊपर। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, लेकिन इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र जिसको कहते हैं सामान्य विज्ञान, क्योंकि इसमें से हमें चीजें कुछ पता होती है, हम आसपास चीजें फील कर रहे होते हैं, लेकिन इतिहास एक विशिष्ट है, उसको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सो को इतिहास बोरिंग लगता है, लेकिन हमारे सर हैं, ठीक है ना, सन्नी सर, वो अक्सर बोलते हैं कि जिन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा वो अपना भविष्य नहीं बदल सकता, ठीक है। पढ़ाते हैं वो फिलहाल, एटलीस्ट कह सकते हो कि जो कॉम्पिटिटिव बैच की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाते हैं सन्नी सर, ठीक है, तो वो उन्हीं की हैं ये चीजें। तो उन्होंने बोला था, ठीक है ना, कि जिसने अपना इतिहास नहीं पढ़ा वो अपना भविष्य नहीं बदल सकता। तो समाजशास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार विधियों आदियों का उपयोग करता है, लेकिन
इतिहास अज्ञात के बारे में जानने के लिए कालक्रम की बात करता है, कब हुआ होगा, तो तुम कहते हो अक्सर कि भैया डेट याद नहीं होती। सिक्के मोहरे इन सब का अध्ययन करके उपयोग करता है कि उन्हीं से पता लगाता है इतिहास में क्या हुआ होगा। समाजशास्त्र द्वारा सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है, लेकिन इतिहास में उल्लेखित घटनाओं के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। समाजशास्त्र का एक विस्तृत दायरा होता है, लेकिन जो इतिहास उसका संकुचित दायरा होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें बंद कर रह जाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज अध्ययन करने को है जैसा हुआ होगा, उसमें अपने आप से कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है, ठीक है, बढ़ ही रहा है डेली और निरंतर चेंज आ रहा है, वो पढ़ेंगे इसके अंदर, लेकिन इतिहास सबसे पुराना विज्ञान है। सबसे पहले अगर चीजें स्टार्ट हुई तो इतिहास जिसको कह सकते हो। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वर्ग के आधार पर स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखो, वर्ग के आधार पर जिसमें कह सकते हो स्तरीकृत जन्म पर आधारित नहीं है, वर्ण कार्य के आधार पर, योग्यता के आधार पर, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान, इन सब के आधार पर क्या होता है हमारा वर्ग स्तरीकरण निर्धारित होता है। ठीक है, अब वर्ग के द्वार सबके लिए खुले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जाति के द्वार हमेशा सिर्फ अपने जाति के लिए खुले रहते हैं, वो बंद व्यवस्था है। ठीक है, वे थर्ड व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, आप किस घर में किस कुल में जन्म लेते हैं वो मैटर नहीं करता, आपके कार्य आपको सफलता की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। फिर बात करते हैं वर्ग के प्रकार, ये अलग से पूछ लिया जाता है भाई आपसे, चार हैं वो मत कर देना भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये वर्ग की बात हो रही है, वो वर्ण है। ठीक है, तो वर्ग आपको मिलेंगे चार, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, तो चार वर्ग है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। उच्च वर्ग इसको बोल सकते हो आप, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पीजेंट क्लास, कृषक वर्ग। ठीक है ना, ये चार वर्ग देखने को मिलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। देखो, ये जाति और वर्ग एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद करवा दूंगा, गारंटी है इस चीज की। ठीक है ना, आपको सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। देखो, जाति जन्म आधारित होती है, ठीक है, लेकिन वर्ग परिस्थिति पर आधारित होता है, आपकी क्या स्थिति है उसके ऊपर आधारित होता है। जाति एक बंद समूह है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति में विवाह, खानपान आदि के कठोर नियम होते हैं, लेकिन वर्ग में हमें कठोरता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ कह सकते हो अपनी स्थिति मैटर करती है, यहां पर ये नहीं क्या कहते हैं कि आप किस जाति से हो, किस जाति से नहीं। जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, लेकिन वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। यानी कि स्थिर तो ये भी है, लेकिन ये कम स्थिर है। यह प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल होती है जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति में बंधकर रह जाता है, लेकिन वर्ग लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं होती है, उसके लिए कह सकते हो अनुकूल है। ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखो, समझाने पर इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहा क्योंकि मैंने चैप्टर में बहुत ही डिटेल में समझाया है, और अगर उस पर ज्यादा टाइम लगा दूंगा तो ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ बाकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, समझा जरूर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बिना समझाए मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ पढ़ के चले जाऊँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता उस चीज के लिए। ठीक है, खाना पूर्ति वाला सवाल नहीं होता, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे अभी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, पढ़ाता मैं अपने दिल से ही आराम से। ठीक है ना, कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है किसी चीज की। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसी उपलक्ष्य में संस्कृति का आयाम का वर्णन कीजिए। तो देखिए, संस्कृति के आयाम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं तीन। पहला, संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक का मतलब है अपने मस्तिष्क, संज्ञान में क्या है। ठीक है, दूसरा बात करता है मानकीय पक्ष, तीसरा बात करता है संस्कृति का भौतिक पक्ष। ठीक है, इनमें से तीनों ही आपको वर्णन करने होंगे। तो संज्ञानात्मक का संबंध समझ से है, हमारे संज्ञान में क्या है, हमारे समझ में चीजें आ रही है नहीं है, अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सूचना बहुत सारी है और हमारे लिए किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं वो हमारी समझ से निर्धारित होती है। मानकीय पक्ष, मानकीय पक्ष में लोक रीतियां आती हैं, लोकाचार आते हैं, प्रथाएं आती हैं, आपकी परिपाटियां आती हैं, आपके रीति रिवाज आते हैं, कानून, ये सब शामिल होते हैं जिसमें मूल्य और नियम होते हैं।
विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियों मानकों के साथ स्वीकृतियां होती है, अनुरूपता को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि जितने भी लोक रीति रिवाज ये सब चीजें हैं। भौतिक पक्ष में क्या आता है भाई, औजार, तकनीक, भवन, यातायात के साधन, उत्पादन, संप्रेषण के उपकरण, ये सब संस्कृति यानी कि जिसको हम कह सकते हो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हो, वो हमारा किस में आता है, भौतिक में आता है। हर एक इंसान आज इसी के पीछे भागीरथ है, भौतिक संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में अंतर स्पष्ट कीजिए, मेरे साथ ही दिक्कत होती है वाली जब भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसीलिए तो स्टोरेज फुल हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है ना, दोबारा से अपने ट्रैक पर आ चुके हैं। कानून एवं प्रतिमान में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया ही हुआ है, वैसे तो सारे ही आए हुए हैं, ठीक है ना, और आने की उम्मीद है जो नहीं भी आए हुए हैं। तो ये पूछा गया है कानून और प्रतिमान में क्या अंतर होता है। देखो कानून जिसमें कह सकते हो उसके अंदर मानदंड अस्पष्ट नियम होते हैं, जिसमें प्रतिमानों में मानदंड क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, जबकि कानून स्पष्ट नियम होते हैं। देखो पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें प्रतिमान, तो प्रतिमान क्या होते हैं, अस्पष्ट नियम होते हैं, लेकिन कानून में स्पष्ट है, हर चीज आपकी पहले से लिखा गया है, स्पष्ट है भाई कि अगर ये क्राइम करोगे तो ये सजा होगी, ठीक है, कानून बना हुआ है। कानून सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित होते हैं, जब तक वो कानून नहीं होंगे, जब तक वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो, ठीक है ना, तभी आप कई बार देखते हो कि अभी इस चीज का कानून बन गया है, अब वो लागू हो गया है, तो वो इसके ऊपर अगर कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसको दंड का प्रावधान। लेकिन जो मानदंड होते हैं वो सरकार द्वारा नहीं होते हैं, वो समाज द्वारा अपने आप कर लिए जाते हैं, ठीक है। कानून पूरे समाज पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं होगा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी खास वर्ग के ऊपर लागू होंगे या खास व्यक्ति के ऊपर लागू होंगे, नहीं, वो सबके ऊपर लागू होंगे, क्योंकि सब बराबर है कानून की नजरों में, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात ही करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो कानून पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा दोनों हो सकती है, ठीक है। कानून सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि मानक सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। मानक का मतलब है यहाँ पर प्रतिमान, ठीक है, तो यहाँ पर इसने मत होना कि यहाँ पर तो मानक आ गया, तो मानक यानी कि प्रतिमान। तो प्रतिमान क्या होता है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर पता चला क्या कहते हैं, अच्छा अपने परिवार के लोगों ने करा तो उसके लिए अलग कानून बना दिया गया यहाँ प्रतिमानों में, ठीक है, और दूसरे ने करा तो उसके लिए कठोर सजा, ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं है, कानून नजरों में कोई भी हो भाई सब बराबर है। बात करते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन से हैं। देखो समाजीकरण के जो प्रमुख अभिकरण है वो वैसे हैं पांच, ठीक है ना, यहाँ पर आपको चार लेकर आया हूं। परिवार, परिवार को जिसमें सब असल जानते हैं, सबसे पहले हम कहीं से कुछ सीखने का काम करते हैं तो परिवार से सीखते हैं, और परिवार ही हमें क्या करता है, कंट्रोल भी करता है, इसी में बात करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पड़ोस, ठीक है, पड़ोस जिसमें कह सकते हो हमारे आसपास के लोग, ठीक है ना, वो भी, उनसे भी हम सीखते हैं, वो सेकेंडरी है, और वो भी हमें कई बार कंट्रोल करने की काम करते हैं, फिलहाल आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है पड़ोस के, ठीक है ना। तीसरा विद्यालय, स्कूल, इसमें जाते हैं तो वो भी हमें क्या कर रहा है, शिक्षित करने का काम कर रहा है, समाज के अंदर जो और चीजें हैं वो सिखाया जाता है, क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, ठीक है ना, वो भी कर रहा है। जन माध्यम, इनके जरूर से भी सीखते हैं, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चाहे हमारा इंटरनेट हो, इन सबसे भी सीखा जाता है। इसके अलावा इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं हम अन्य अभिकरण, अन्य अभिकरण जिसमें कह सकते हो जितने भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, वो हो गए, साधु संत हो गए, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं हमें आचरण इन सब की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब भी सिखाते हैं, तो इसके अंदर ये भी आते हैं आपके, इसमें आपके कह सकते हो नैतिक व्यवहार, ये सब चीजें सिखाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, तो जरा देखो भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है लेकिन अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। भौतिक को हम देख सकते हैं लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे किताब है, पेन है, जो आपने ले रखा हो, किताब और पेन लेकर बैठे हो ना, कोई ऐसा तो नहीं बिना बैठे उसमें काम कर रहा हो भाई, सिर्फ कि कहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो आराम से देख रहे हो, ठीक है ना, फोन उनके ऊपर गिर गया अगर, तो ऐसा मत काम करना, किताब और पेन लेकर बैठना भौतिक संस्कृति है, कुर्सी आदि। लेकिन जो अभौतिक होते हैं वो विचार है, आदर्श इत्यादि है, इनको हम महसूस कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि आज मैं 2 किलो विचार खरीद के लेकर आऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कैसे हमारे अभौतिक है।
भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, कितने किलो में है ये सब चीजें, लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति में लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज के सदस्य उठा सकते हैं जिसका वो सदस्य होते हैं। ठीक है, भौतिक संस्कृति में लेकिन किसी नई चीज का आविष्कार हो तो उसका लाभ कोई भी व्यक्ति व समाज उठा सकता है भाई, चाहे आज हमारे पास में एसी हो, चाहे ग्राइंडर हो, सब कुछ हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही वर्ग उठाएगा, वो सब कोई उठा सकते हैं, चाहे वो मेट्रो हो। ठीक है, तो इसलिए भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं भाई, हमें देखने में आकर्षक लगते हैं। अच्छा, अभी देखा जैसे दशहरा गया तो ये वाला झूला, ठीक है, ब्रेक डांस, रोलर कोस्टर सारे लगे हुए, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें आकर्षित कर रही हैं, लाइटें उसकी आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, कहीं पर हम मार्केट में निकल जाते हैं तो बड़े बड़े शोरूम से दिख रहे हैं, ये सब क्या है, लुभावनी। ठीक है ना, इसको कह सकते हो आकर्षक है, इसलिए हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति के तहत आकर्षक नहीं होते, इसलिए हमें इसको अपनाने में लगता है। अभी कोई प्रवचन दे यानी कि कोई आपको अच्छी बातें समझाए तो आप क्या जवाब दे दो, अरे भाई हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, इसीलिए। ठीक है, तो आने वाले परिवर्तनों को हम इसलिए आसानी से स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो इस तरीके से होता है ये भौतिक और अभौतिक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना भाई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरह, ये है आपके पूछे गए एक एक दो दो नंबर में। ठीक है ना, ऐसे एक ही नंबर में, एक विवाह से आप क्या समझते हो, देखो एक विवाह कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई एक ही विवाह कर रहा है फिलहाल आजकल, तो एक ही से उब जाता है, तो जिस विवाह में केवल एक पत्नी हो और एक ही पति हो बस, वो होता है एकल विवाह। ठीक है, फिर आता है बहुविवाह, तो बहुविवाह क्या है, जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो या फिर महिला के एक से अधिक पति हो, उसको बोलते हैं बहुविवाह। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 32, बहुपति विवाह प्रथा से आप क्या समझते हैं, बहुपति यानी कि जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति हो उसको बोलते हैं बहुपति। फिर आता है बहुपत्नी विवाह, जिस प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो वो होता है बहुपत्नी विवाह। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, नारीवादी सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला भी। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत यानी कि जिसमें बात करते हैं फेमिनिज्म की, जो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है, यद्यपि सिद्धांत के कई तत्व हैं लेकिन उन सबका एक सरोकार है, जैसे समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या एवं उसे दूर करने के लिए प्रयास करना, कि जिसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं, वो बात करता है हमारा नारीवादी सिद्धांत। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए, तो क्या संबंध देखने को मिलते हैं आपको, जरा देखिए। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा, तो देखो समाजशास्त्र एक सामान्यीकृत विज्ञान है, हमने इसमें सभी बात कर ली है, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ में, समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान के साथ में संबंध, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, इसके बाद बात करेंगे समाजशास्त्र का मनोविज्ञान, तो एक सामान्यीकृत विज्ञान है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, सेम इतिहास की तरह। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है लेकिन अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति क्या होती है, दृष्टिकोण आर्थिक रूप से होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति कैसी है, व्यक्तिवादी है, सिर्फ व्यक्ति की बात करता है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, इसमें आप अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स होगी तो वो बात कर ही रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो वो क्या है आपका, व्यक्तिवादी है। समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को सटीक रूप से मापा जा सकता है, जैसे मात्रा में अंकित किया जाता है किसकी कितनी इनकम है। ठीक है, कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये सब आसानी से नापे जा सकते हैं इसमें। फिर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध, तो देखो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध क्या मिलते हैं हमें, समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित होता है लेकिन मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित होता है बस। समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है लेकिन मनोविज्ञान व्यक्तियों या छोटे समूह से सिर्फ और सिर्फ संबंधित होता है, कुछ नहीं आ रहा, बड़े समूह यहाँ पर अगर आप एक कर रहे हो तो दूसरा अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, उसको आराम से हम देख सकते हैं समाज में क्या गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करके पता चलेगा, उसको हम देख कर बता नहीं सकते। ठीक है ना,
और आजकल ज्यादातर इन्हीं की जरूरत पड़ रही है भाई, ठीक है। समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, इसमें लोगों का साथ में हमारा क्या संपर्क है ये सब डिसाइड होता है। लेकिन मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित होता है कि मानव की इच्छाएं क्या है, भावनाएं क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है वो इसकी बात करता है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में मानता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार होता है, कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब कुछ उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, ये माना जाता है मनोविज्ञान के जरिए। अगर आपसी सी बात है, आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे, नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं लाओगे, तो ये इसी की बात कर रहा है। इसमें ये नहीं होगा कि मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, ये सब चीजें, ठीक है ना, तो वो चीजें शामिल। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, सामाजिक समूह व अर्ध समूह में अंतर बताइए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक समूह और अर्ध समूह। तो देखो, सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं, लेकिन अर्ध समूह में एक समुच्चय अथवा समाज होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। यहां से भी उठ जाता है कई बार कि किस संरचना में अथवा संगठन की कमी होती है, तो वो अर्ध समूह होता है। यहां से भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्रता नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं, लेकिन समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। जैसे कई जगहों पर क्या होता है कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ठीक है, इन जगहों पर हमें भीड़ तो दिख रही है, भीड़ का जमावड़ा दिख रहा है, लोगों का जमावड़ा दिख रहा है, लेकिन वो आपस में हम उसको समूह नहीं कहेंगे, फिलहाल तो उस टाइम में कहेंगे। लेकिन अगर कोई खास वजह कुछ हो जाए तब हमें वो समूह में परिवर्तित हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, इसमें सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी, प्यार, ठीक है, नफरत, ये सब चीजें। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, कोई विशेष हो गई, कोई अगर उसको आंदोलन करना है तो वो अर्ध समूह क्या हो जाता है, भीड़ का हिस्सा जो चल रहे थे वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगे। जैसे समान आयु और लिंग के लोग होते हैं भाई, एक जैसी एज है, ठीक है, तो वो बात तो आपस में करने लगते हैं, अनजान लेकिन बात करने लगे महिलाएं, ठीक है, जिसमें ऊपर चलता है कि और महिलाएं खड़ी हुई हैं, ठीक है, बैठी हुई हैं बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन, वहां पर बात चालू हो जाती है। वो सिर्फ वहीं तक होता है जब तक अपना गंतव्य स्थान नहीं आ जाए, उसके बाद में अपना स्टैंड आया, अपने स्टैंड पर सब उतर गए, फिर कौन मतलब कौन तुम कौन हम। फिर बात करते हैं हम अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो, अंतः समूह और बाह्य समूह, अंतः समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है, बाह्य इसमें हम की भावना का अभाव रहता है। इसमें अंतः समूह में संबंधों में निकटता होती है, लेकिन बाह्य समूह में संबंधों में दूरी देखने को मिलती है, ठीक है ना, तू दूर ये दूर, ये चल रहा है भाई, संबंधों में दूरी है, वो बाह्य समूह है। अरे इसमें कोई वो नहीं है भाई, समूह के सदस्यों के प्रति त्याग होता है, सहानुभूति की भावना होती है। अपने घरों में देख लो, एक दूसरे के प्रति त्याग कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले तो हमारी माँ आ जाती है, अगर घर के अंदर बताया जाता है ना कि चार रोटी और खाने वाले पांच है, तो वो अपने आप को बोल देगी मैंने तो पहले ही बनाकर खा लिया था, ठीक है ना, वो छोड़ देंगे। सहानुभूति है, प्रति त्याग है, ठीक है, त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ये बाह्य समूह है। सुख दुख की आंतरिक भावना देखने को मिलती है, और बेटा जब कोई नहीं खड़ा होता ना हमारे साथ में, हमारा परिवार खड़ा होता है, ठीक है, इसमें भी स्पेशल कह सकते हो हमारे माता पिता, कितनी बड़ी गलतियां हो जाए लेकिन माता पिता हमेशा अपना लेते हैं। फोर्थ है, सुख दुख का बाहरी रूप होता है इसमें, ठीक है ना, सिर्फ ऊपर से दिखावटी के लिए है कि जो दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई जब मर्जी फोन कर दियो तेरा भाई हाजिर है, वही भाई फोन स्विच ऑफ करके हो जाएगा, ठीक है, ये बाहरी समूह है। क्वेश्चन नंबर आपका 39, सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सामाजिक नियंत्रण में आपके दो प्रकार है, ठीक है ना, इसमें आपका एक औपचारिक नियंत्रण आता है और एक अनौपचारिक नियंत्रण आता है। औपचारिक नियंत्रण में बात कर सकते हो, वो संहिताबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, औपचारिक रूप से कार्य करता है, ठीक है, जिसमें कह सकते हो जो औपचारिक है वो कानून है, राज्य है, पुलिस है। इसमें क्या होता है, जो भी अपराध की गंभीरता के अनुसार उसको दंड दे दिया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है, मृत्यु दंड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ये औपचारिक है। अनौपचारिक क्या होता है बेटा, जो व्यक्तिगत होता है, अशासकीय होता है, संहिताबद्ध होता है, इसमें धर्म की बात आती है, प्रथा, परंपरा, ठीक है, रूढ़िवादी, ये सब चीजें आती हैं। और इसमें जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है, ये आता है हमारा अनौपचारिक, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको सुना है, ठीक है, और बस अब दबाकर इसको शेयर कीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे भाई आपका, ठीक है ना। परिवार व नातेदारी को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, परिवार और नातेदारी क्या होती है,
तो परिवार क्या चीज हो गई जिसमें कह सकते हो हमारे परिवार हमारे सुख दुख का साथी होता है, और परिवार के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, ये हो गया एकल परिवार। ठीक है, दादा दादी भी शामिल हो सकते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, ये तो है ही है, इनके साथ साथ चाचा चाची, ठीक है ना, यानी कि जो भी विवाहित भाई ये सब होते हैं, सब एक साथ रहते हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, हमारे संयुक्त परिवार में होते हैं। ये मैंने बात करी है परिवार की, अब बात करता हूं नातेदारी की। ठीक है, इसमें कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा हो तो बताना भाई। ठीक है, नातेदारी की बात करते हैं हम, तो देखो नातेदारी यानी कि नातेदारी हमें मिलती है दो तरीके से, एक होती है जन्म आधारित और एक होती है विवाह मूलक, विवाह आधारित। ठीक है ना, विवाह मूलक या जन्म मूलक कुछ भी कह लो, ठीक है ना, विवाह आधारित। तो देखो नातेदारी जन्म आधारित जैसे क्या है, इसमें हम बात करते हैं हमारे सगे भाई बहन, ठीक है, इसको बोल सकते हो खून का रिश्ता, ठीक है ना, इसको आप इसको रक्त संबंधित भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रक्त का संबंध होता है, ठीक है ना, तो इसको कह सकते हो ना खून का रिश्ता है भाई, सगा भाई है, सगी बहन है, ठीक है ना, खून का रिश्ता, ये इसमें शामिल होते हैं। विवाह मूलक में क्या होता है कि ऐसी नातेदारी जो अभी तो नहीं है लेकिन आफ्टर मैरिज स्थापित हो जाती है, जैसे सास ससुर, भाई इससे पहले तो नहीं है, जब तक शादी नहीं हुई जब तक सास ससुर तो नहीं होंगे, ठीक है, इसके अलावा देवर भाभी, ठीक है, और साला साली, ये सब क्या है, हमारे विवाह मूलक है। तो इस तरीके से आपके टॉप 40 जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे होते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये चीजें बेहतरीन लग रही हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको अब जल्द ही मिलूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको MCQs भी कराऊंगा और आपको सैंपल पेपर भी कराऊंगा। जब तक आपका काम है इसको इतना शेयर कर दो, ठीक है, कि इसको आगे तक पहुंचाइए, ठीक है ना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।